हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमंत जैन। आज मैं आपको अमूल्य जीवन 2 पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। अगर आपको 50 लाख का बीमा लेना है तो आपको कम से कम डेली के आपको 20 रुपये तक देने होंगे। 20 रुपया डेली अगर आप देंगे तो आपको 50 लाख का बीमा मिल जाएगा, लेकिन ये आपके एज और पॉलिसी पीरियड के ऊपर आधारित है। चलिए इसके मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इस पॉलिसी में कम से कम आपको पॉलिसी लेनी होगी 25 लाख की। 25 लाख का इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा और ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। कम से कम 25 लाख का बीमा है और मैक्सिमम आप नो लिमिट है, आप मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक भी ले सकते हो, लेकिन फिर प्रीमियम आपका बढ़ेगा। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रीमियम भर सकते हो। मिनिमम एज एंट्री है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री है 60 ईयर्स, और मैक्सिमम जो कवर रहेगा ये 70 ईयर्स तक रहेगा। मिनिमम पॉलिसी पीरियड है 5 साल की और मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड है 35 ईयर्स की। 35 ईयर तक ये पॉलिसी चलेगी। प्रीमियम आप हाफ ईयरली भर सकते हो, ईयरली भर सकते हो या मंथली भी भर सकते हो, जैसे आपको भरना है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में लगभग ईयरली और हाफ ईयरली ही रहती है। आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पे नहीं भरा है तो 30 दिन के अंदर आपको प्रीमियम जमा करना होगा, अगर पॉलिसी लैप्स नहीं करनी है तो। या मैं आपको प्रीमियम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पर रेट का रेट है, ये पर थाउजेंड का रेट है, ये पर थाउजेंड सम एश्योर्ड का वो हिसाब से रेट दिया गया है, ये एज के हिसाब से, ये टर्म के हिसाब से। मान लीजिए आपकी एज 30 ईयर्स है और आपने 15 साल का प्रीमियम लिया है, 15 साल का टर्म लिया है और आप 50 लाख का इंश्योरेंस लेते हो तो आपको 50 लाख डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.42 करना है, ये आ जाएगा 7100। और आपका मंथली 19.45 रुपीस डेली का आएगा। अगर आप ईयरली पेमेंट लेते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट भी मिल सकता है एडिशनल प्रीमियम पे, जो कि काफी अच्छा है। आप अगर एक दो साल में, 1-1.5 साल के अंदर आप अगर पॉलिसी लेने के बाद 1-1.5 साल पॉलिसी बीच में छोड़ देते हो और अगर आप रिन्यू नहीं करते हो तो आप रिवाइव कर सकते हो। जितने भी प्रीमियम से 2 साल के आप प्रीमियम भर के और कुछ इंटरेस्ट भी भरना होगा, आपका रिवाइव हो जाएगा और पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन ये 2 साल के अंदर ही करना पड़ेगा जब से आपने छोड़ा है। ये काफी अच्छा है, इसमें पेड अप वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, सरेंडर वैल्यू भी कुछ नहीं मिलेगा। आप टैक्स ATC के तहत टैक्स इनकम टैक्स में IT रिटर्न भरने के टाइम इसे दिखा सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। ये प्योर टर्म प्लान है, इसमें पैसा तभी मिलेगा जब आपका समझो कुछ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है या नॉर्मल डेथ होती है, तो उस टाइम आपके परिवार वाले को कितने का भी आप बीमा लेते हो, 25 लाख का लेते हो तो 25 लाख मिलेगा, 50 लाख का लेते हो तो 50 लाख, 1 करोड़ लेते हो तो 1 करोड़ का अमाउंट आपके फैमिली को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। आप नॉमिनी में आपके वाइफ को, स्पाउस को रख सकते हो या चिल्ड्रन को भी रख सकते हो। और ये पॉलिसी काफी अच्छी, अगर आपकी इनकम थोड़ी अच्छी है तो आप कम से कम 50 लाख का बीमा जरूर कराइए, और आप ट्रेवलिंग ज्यादा करते हो तो ये काफी अच्छा प्लान है। और गवर्नमेंट की कंपनी है LIC और इनका क्लेम रेशियो भी काफी अच्छा है, तो आप ये प्लान ले सकते हो। अगर ये नहीं लेते हो तो इसके दूसरा एक और है, जीवन अनमोल करके, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वो 10 लाख से लेके 24 लाख तक
आप उसमें ले सकते हो, मात्र 2400 रुपये कुछ भरने होंगे साल के। उसमें आपको 10 साल का बीमा मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये पॉलिसी डिटेल्स पसंद आई होगी, और अगर किसी को करना है तो आप कर सकते हो। ये बीमा आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। अनहोनी कभी भी हो सकती है, लेकिन अपना सेफ्टी फैमिली के लिए करना जरूरी है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।